जो वंचित हैं अभी नेत्रदान को लेकर के, वो इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ पाएंगे और हम उन लोगों को नेत्रदान के साथ साथ जीवन ज्योति भी दे पाएंगे और उन परिवार को आगे संभाल पाएंगे। ये आज का मकसद। राया में मुहर्रम के त्योहार को नजदीक देखते हुए राया थाना प्रभारी संजीव चौधरी ने कस्बे के संभ्रांत लोगों की एक बैठक थाना परिसर में रखी गई, जिसमें समाज के सभी लोगों को एकत्रित कर त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने के लिए सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। तो वहीं क्षेत्र अधिकारी प्रवल प्रताप सिंह ने लोगों से मुहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। मुहर्रम का जो कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं दिनांक 18, 19, 20, 21, ये चार दिन यहाँ रहेंगे कार्यक्रम, उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ संभ्रांत नागरिकों की मीटिंग ली गई है। उसमें सभी लोगों ने अपने अपने राय मशवरे रखे हैं और सबकी बातें सुनी गई हैं। जो मुख्य मुख्य बातें थी उसमें तो ताजियों का जो रूट है, उस रूट पर बिजली के तार नीचे हैं उनको ऊँचा कराने का, जो जेई साहब यहाँ मौजूद थे उनको बता दिया गया है। ये टाउन एरिया भी मौजूद थे और उनको भी बता दिया गया है कि सफाई वगैरह और रूट में अगर किसी तरह का कोई गंदगी है या कोई पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट पड़ी हुई है, उनको हटवाने के लिए सभी लोग सहमत हो गए। और कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पुलिस अपना उस हिसाब से देखेगी कि कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान ना आवे, तो उसके लिए चिन्हित करके उनके साथ में उनके खिलाफ़ जो है 116 कार्रवाई करके मुचलका पाबंद किया जाएगा। सर, ऐसी कोई बात अभी तक नहीं बताई गई है कि जो इस कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करे, लेकिन सचेत रहने की आवश्यकता है। पुलिस को भी इस तरह से निर्देशित किया गया है कि आप लोग भी समय से ड्यूटी लगावें और कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व अपना जो डिप्लॉयमेंट है वो यथास्थान लगा दिया जाए, ताजिए दारानों से मिल लिया जाए, उनकी एक कमेटी निश्चित कर ली जाए कि उनको जिम्मेदारी दे दी जाए, जिससे कि किसी प्रकार का आपसी व्यवधान भी उत्पन्न न हो, आपसी समस्या भी उत्पन्न न हो और पुलिस के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट न हो। इस अवसर पर साथ रहे राया थाना प्रभारी संजीव चौधरी, चौकी विचपुरी प्रभारी प्रवल प्रताप सिंह, राया कस्बा प्रभारी अमर पाल तोमर एवं कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों में शमसुल दराज खान, मास्टर साकिर खान, सभासद अनवर खान, जिलानी सूफी साहब सिंह, फूल सिंह, निषाद, मान सिंह, सलीम आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। गुरुवार को कस्बा राय के मथुरा रोड पर एक स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ, जिसमें सामने से तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ट्रैक्टर में सामने से जा भिड़ी। घटना को होता देख ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनका अस्पताल में इलाज जारी है। वृंदावन मुहर्रम पर्व को लेकर शुक्रवार को वृंदावन थाना कोतवाली परिसर में ताजियेदारों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनके सुझाव लिए गए। बैठक के दौरान जहां कोतवाली प्रभारी रामपाल भाटी ने ताजियेदारों से मिले सुझाव के अनुसार मुहर्रम के अंतर्गत आवश्यक पुलिस बल की तैनाती कराने का आश्वासन दिया, वहीं बैठक के दौरान निगर अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर ताजियेदारों ने नाराजगी जाहिर की। जो बैठक आयोजित की गई किस लिए गई थी थाने में? आज इंस्पेक्टर साहब ने मुहर्रम के विषय में मीटिंग ली थी, तो हम लोगों ने अपना विचार रखे थे कि इस तरह से मुहर्रम की व्यवस्था करी जाए, क्योंकि गंदगी का अंबार होता है, क्योंकि जल भराव सीवर का पानी बहुत ज़्यादा है। जालन से निगम बना है, बालन से मथुरा गेट की दुर्दशा बिगड़ गई है। यहाँ भाईचारे से हर त्यौहार होता है, हमेशा भाईचारे से त्यौहार मनाते रहते हैं लोग, कोई मनमुटाव नहीं है हम लोगों। किस तरह के सुझाव रखे गए बैठक में? इस मैटर में हमने ये सुझाव रखा है कि देखिए यहाँ जल भराव की समस्या बहुत तगड़ी है और दूसरी करबला का जो रास्ता बंद है उसमें जो ताजे दफन होते हैं हमारे भाई परेशानी आती है, उस अड़चन को भी हटाई जाए। पुलिस की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन यहाँ कोई नगर निगम का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद था? निगम का कोई भी अधिकारी किसी तरह का नहीं है, न सुनवाई है। असल समस्या तो निगम से ही, निगम से इतनी बड़ी समस्या है, निगम वाले सुनते ही नहीं है। ईद की नमाज भी हमने अदा करी है, आपने देखा है कि पूरी जल भराव में हमने ईद की नमाज अदा की।